दोस्तों, अगर आपका चैनल नया है और वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आज मैं आपको ऐसे 10 टिप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपका वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अगले एक ही दिन में आपका वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले कुछ ही दिन के अंदर आपके चैनल का 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा अनुभव है, मैंने भी ही ऐसा किया था। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि एक चैनल मोनेटाइज होने के लिए हमारे चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी ये मोनेटाइज होगा। अब यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो भी चेंज हो गया, यानी हमारी वीडियो पे जो व्यूज आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो वॉच टाइम से। यदि हमारी वीडियो पर वॉच टाइम अच्छा होगा, ऑडियंस रिटेंशन अच्छा होगा, तो भैया उस वीडियो को यूट्यूब भी सजेस्ट करेगा दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरे की वीडियो के नीचे वो सजेस्ट करेगा। यदि वॉच टाइम अच्छा नहीं है, हमारी वीडियो पे ऑडियंस रिटेंशन नहीं है, तो भैया यूट्यूब है उस वीडियो को भी सजेस्ट में वो नहीं दिखाएगा। तो ऐसे में हमारी वीडियो के ऊपर वॉच टाइम और ऑडियंस रिटेंशन होना बहुत ही जरूरी है, तभी हमारे चैनल का जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट होगा। अब ये कंप्लीट कैसे होगा, तो मैं ये जो 10 टिप्स आपको बता रहा हूं इनको आपको फॉलो करना है। चलिए पहली टिप्स की बात करता हूं, और पहली टिप्स है भैया वीडियो लंबी बनाए। अगर आपका चैनल नया है तो शुरुआत में आप अपनी जो वीडियो है वो लंबी बनाए, 8 से लेकर 10 मिनट तक की वीडियो आप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यदि हमारी वीडियो लंबी होगी तो इससे ऑडियंस है हमारी वीडियो पर लंबे समय तक टिकेगी, और भैया लंबे समय तक टिकेगी तो हमारी वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमें वीडियो वो शुरुआत में लंबी बनानी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको ये बता दिया कि 10 मिनट तक की वीडियो आपको बनानी है, आप शुरुआत 4 मिनट में ही अच्छी अच्छी बात वो कर रहे हो, अगली 6 मिनट में आप केवल कोरी बकवास कर रहे हो, ऐसा भी आपको नहीं करना। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा जो टॉपिक है इस टॉपिक पर मैं केवल 4 मिनट 10 सेकंड तक ही मेरी ऑडियंस को रोक सकता हूं, तो आप 4 मिनट 10 सेकंड तक ही वीडियो बनाए, फालतू में उसे आगे घसीट कर मत ले जाए, क्योंकि अगर आप फालतू में आगे घसीट कर ले जाओगे वीडियो, आप लंबी बनाओगे, तो भैया इससे आपकी वीडियो का जो ऑडियंस रिटेंशन है वो कम हो जाएगा, तो आपकी जो वीडियो है वो यूट्यूब सजेस्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि आप कोशिश करो कि जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को इतना शानदार बनाओ, इतना इंटरेस्टिंग आप बनाओ, ताकि जो ऑडियंस है एक बार आपकी वीडियो पे आ गई तो वो लास्ट तक आपकी वीडियो को देखे ही देखे, मतलब इंटरेस्टिंग आपको बनाना। चलिए दूसरी टिप, थंबनेल। थंबनेल भी हमारी वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, इससे भी हमारा जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट होता है। वो कैसे होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि वीडियो को लंबी बनानी चाहिए जिससे वॉच टाइम है वो बढ़ेगा। अब भैया वॉच टाइम तभी तो बढ़ेगा जब हमारी वीडियो के ऊपर क्लिक होगा। अब ये क्लिक कैसे होगा भैया, ये क्लिक होगा हमारे थंबनेल को लेकर के। अगर हमारा थंबनेल स्टैंडर्ड लेवल का है, केची है, एट्रेक्टिव है, तो भैया ऑडियंस हमारे थंबनेल पे क्लिक करेगी और हमारी वीडियो पे वो आएगी और हमारी वीडियो को देखेगी। अब देखिए आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने काफी सारे ऐसे क्रिएटर देखे हैं जो थंबनेल में खींचड़ी पका देते हैं, हिस्ट्री है वो पूरी लिख देते हैं, पूरा इतिहास है थंबनेल में ही लिख देते हैं कि जो बातें वो अपनी वीडियो में बता रहे हैं वो सारे की सारी जो बातें हैं अपने थंबनेल के ऊपर ही चिपका डालते हैं। अब भैया जब कोई व्यूअर आपके थंबनेल को देखता है और जो आपने खींचड़ी पका रखी है, जो हिस्ट्री आपने थंबनेल पे लिख रखी है, तो उसको देख के वो समझ जाएगा कि भैया इस वीडियो के अंदर ही ये बात होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप थंबनेल बनाओ तो थंबनेल में भी एक सस्पेंस है वो छोड़ो, ताकि ऑडियंस को लगे यार इसके अंदर क्या हो सकता है, और जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक रिलेटेड केवल थंबनेल पर 2-4 वर्ड ही आपको लिखने, ज्यादा खींचड़ी नहीं पकानी है, 2-4 वर्ड ही आपको लिखने, क्योंकि 2-4 वर्ड लिखोगे तो इससे सस्पेंस है वो बना रहेगा। दूसरी बात, थंबनेल को कभी भी क्लिक बेट है वो ना बनाए शुरुआत में, जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाए, क्योंकि अगर आप थंबनेल क्लिक बेट बनाते हो, थंबनेल के ऊपर तो आप कुछ और ही लिख रखा है और वीडियो के अंदर आप कुछ और ही बता रहे हो, तो भैया ऑडियंस एक बार तो क्लिक तो कर लेगी, लेकिन अंदर जो बातें वो देख के आया था बाहर जो थंबनेल के ऊपर, अगर वो नहीं मिली तो भैया इससे आपकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन वो कम हो जाएगा, वॉच टाइम है वो कम हो जाएगा, तो ये भी आपको नहीं करना। कहने का मतलब थंबनेल आपको कैची बनाना है। चलिए भैया तीसरी टिप से, आपको हमेशा अपनी वीडियो में सस्पेंस रखना। अब सस्पेंस का मतलब ये है, देखिए हमारी वीडियो के कई पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल
इंट्रो होता है जिसके अंदर अपन पहले बेसिक जानकारी देते हैं, फिर हमारी मेन वीडियो आती है, फिर हमारी वीडियो का एंडिंग होती है। और जो हमारी वीडियो का एंट्री होता है वहां पे हमें सस्पेंस बना के रखना। जैसे शुरुआत में अपन बोलते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम ये बात करने वाली है, इस टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं, तो क्रिएटर क्या करते हैं, उनकी जो वीडियो है वो 5 से लेकर 7 मिनट की होती है, लेकिन वो शुरुआत में 1-2 मिनट के अंदर ही वो सारी बातें बता देते हैं अपनी वीडियो के संबंधित। तो भैया जो भी ऑडियंस आपकी वीडियो पे आएगी वो शुरुआत के 1-2 मिनट में ही वो पता लगा लेगी कि भैया इस वीडियो के अंदर आगे भी ये बात होने वाली है। तो कहने का मतलब है कि हमेशा आपको अपनी वीडियो में सस्पेंस बना के रखना, ताकि ऑडियंस को ये लगे कि आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला। इस प्रकार से आपको वीडियो वो बनानी है, सस्पेंस आपको हमेशा रखना। चलिए चौथी टिप्स, आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए, आपकी ऑडियंस को क्या पसंद है, आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है, उसी के रिगार्डिंग आपको वीडियो बनानी है। भैया आपकी ऑडियंस को जो पसंद है उसी के मुताबिक आपको वीडियो बनानी है, भले ही आपके चैनल पर 5 सब्सक्राइबर हो या फिर 10 हो, क्योंकि यदि उनकी मन पसंद का वीडियो बन गया तो भैया उस वीडियो को वो लास्ट तक देखेंगे, और भैया लास्ट तक देखेंगे तो आपकी वीडियो पे वॉच टाइम है वो बढ़ने वाला। चलिए अब बात ये करते हैं कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो ऑडियंस है वो हमसे क्या चाहती है, किस टॉपिक पे जानकारी चाहती है। तो भैया इससे आप सीधा साधा पता लगा सकते हो, आपकी वीडियो के नीचे जो भी कमेंट आते हो वो कमेंट आप पढ़ा करो, और कमेंट को पढ़कर आप अपनी वीडियो बना सकते हो या फिर अपनी ऑडियंस की राय है वो आप जान सकते हो। इसके अलावा पोल के द्वारा भी आप पता लगा सकते हो कि अपनी ऑडियंस से पोल आप करवा सकते हो कि भैया किस टॉपिक पे आपको अगली वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे जानकारी चाहिए, तो पोल की मदद से भी आप अपनी ऑडियंस की राय वो जान सकते हो। इसके अलावा एक सबसे बड़ा तरीका, आप अपने YouTube के एनालिटिक्स की मदद से भी ये पता लगा सकते हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो क्या चाहती है, किस प्रकार की जो वीडियो है वो YouTube पे वो सर्च करती है, किस टॉपिक पे वो वीडियो है वो सर्च करती है, क्योंकि एनालिटिक्स में आजकल ये पता लग जाता है। YouTube का बहुत अच्छा अपडेट है, YT स्टूडियो के अंदर ये सारी चीजें पता लग जाती है कि जो आपकी जो ऑडियंस है, जो जिसने कभी आपकी वीडियो देखी है, वो YouTube पे किस टॉपिक को सर्च कर रही है, तो वहां से आप ये आसानी से वो पता लगा सकते हो। चलिए भैया अगली पांचवी टिप्स, भैया हमेशा अपने वीडियो वो रेगुलरली उसमें रखो, यानी रोजाना कोशिश करो कि रोजाना एक वीडियो आप अपने चैनल में शुरुआत में आपको अपलोड करना, क्योंकि यदि आप रोजाना वीडियो अपलोड करोगे, जितने भी आपकी कम्युनिटी है, जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं, तो आपके वो वीडियो देखेंगे, और भैया जब वीडियो देखेंगे तो वॉच टाइम है भैया ये तो बढ़ने वाला है। देखिए जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो तो कैसे तैसे करके एक वीडियो तो आप डाल ही दीजिएगा। अब ये भी नहीं कि आप एक ही दिन में 10 वीडियो डाल दी, ऐसा भी नहीं, कोशिश करो कि मैक्सिमम 2 वीडियो डालो और मिनिमम रोजाना एक वीडियो आप डालने की कोशिश करो। इससे आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी वीडियो को देखेगी और वॉच टाइम है ये सीधा साधा मतलब है वो बढ़ेगा। चलिए भैया इसके अलावा आप हमेशा, अगली टिप्स बता रहा हूं, आप हमेशा अपनी वीडियो में आई कार्ड और एंड स्क्रीन को यूज करें, क्योंकि आई कार्ड से और एंड स्क्रीन से भी आपका जो वॉच टाइम है वो बढ़ता है। वो बढ़ता है कैसे, देखिए आपने देखा होगा आई कार्ड का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो देखिए वीडियो के ऊपर हमेशा काफी सारे क्रिएटर बोलते हैं कि ज्यादा जानकारी के लिए ऊपर आई बटन में क्लिक करें। अब देखिए मैं भी आपको ये बोलूंगा अधिक जानकारी के लिए ऊपर आई बटन में क्लिक करें, आई बटन हाजिर हो। अब देखिए ये आई बटन आ गया, अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमने ये आई बटन लगा दिया, अब जो ऑडियंस हमारी वीडियो जो देख रही है और जैसे ही ऊपर आई बटन आ गया तो उस आई बटन पे वो क्लिक करेगा, तो वो हमारी दूसरी वीडियो पे रीडायरेक्ट हो जाएगा कि लगे हाथ वो एक वीडियो देखी और लगे हाथ उसने दूसरी वीडियो भी है वो हमारी देख ली, इससे भी हमारा वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आई बटन लगाने का भी तरीका है, आपको ये पता लगाना है कि आपका जो वीडियो है उस वीडियो पर जो आपकी ऑडियंस है वो कितना टाइम स्पेंड करती है, किस टाइम तक वो रुकती है या किस टाइम को उस वीडियो को छोड़ के जाती, वहीं पर आपको आई बटन है वो आपको लगाना है। अगर आपको आई बटन के बारे में नहीं पता है कि आई बटन कैसे यूज किया जाता है, अपनी वीडियो में कैसे लगाया जाता है, तो ऊपर मैं आपको आई बटन में ही लिंक दे रहा हूं और इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा। इसके अलावा भैया एंड स्क्रीन भी आपको अपनी वीडियो में लगाना है। देखिए काफी सारे क्रिएटर बोलते हैं कि एंड स्क्रीन में जाके आपको देखना वीडियो मिल जाएगी, ऐसा बोलते हैं, और आप भी देखते हो जब कोई वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो ऐसे बॉक्स से बन के आ जाते हैं, उसी क्रिएटर की 2-4 वीडियो आ जाती है। तो भैया एंड स्क्रीन लगाओगे तो जो व्यूअर है आपकी वीडियो पे क्लिक करेगा दूसरी वीडियो पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, तो लगे हाथ वो दूसरी वीडियो देख लेगा, इससे भी वॉच टाइम होगा कंप्लीट हो जाएगा।
अगर दोस्तों आपको आई बटन और एंड स्क्रीन नहीं लगाना आता है तो देखिए इसके बारे में हमने हमारे नए चैनल पर पूरी जानकारी दे रखी है जिसका नाम है राजस्थानी सपोर्ट। सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे राजस्थानी सपोर्ट, वहां पे मैंने जीरो से लेकर चला। अगर आप एक नए क्रिएटर हैं तो मैंने जीरो से लेकर वहां चला है, कैसे चैनल बनाया जाता है, आगे क्या करना, पूरी जानकारी बता रखी। वहां पर मैंने आई बटन और एंड स्क्रीन के बारे में पूरी जानकारी बता रखी है, तो आप वहां देख लीजिएगा। चलिए अगली टिप्स, सातवीं टिप्स, टॉपिक को समझदारी से लेना। इसका मतलब यह है कि जब भी आप वीडियो बनाओ और जिस टॉपिक पे बनाओ तो भैया पहले पूरी समझदारी के साथ उसका आपको चुनाव करना है कि भैया ऑडियंस को क्या चाहिए है, लोगों को फिलहाल किसकी जरूरत है, उसी के अनुसार आपको वीडियो बनानी है। देखिए जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनाने जा रहे हो तो भैया उस टॉपिक को लेकर आपको यूट्यूब पर लाखों वीडियो मिल जाएंगी, तो हमेशा ऐसे टॉपिक का आपको चुनाव करना जो बिल्कुल नया हो, जो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और हाँ, टॉपिक का चुनाव आप अपने चैनल की कैटेगरी के अनुसार ही आपको करना है। जैसे आपका चैनल है टेक कैटेगरी का और आप वीडियो बना रहे हो अगला म्यूजिक कैटेगरी का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चैनल की कैटेगरी के अनुसार, पूरी समझदारी के अनुसार आपको अपने टॉपिक का चुनाव करना। चलिए अगली टिप्स, आठवीं टिप्स, भैया जब भी आप नए टॉपिक पर वीडियो बनाओ तो उस पर पूरा रिसर्च करो, उस पर खुलकर उसकी पूरी जांच करो। भले ही उस टॉपिक के बारे में आपको पूरा नॉलेज हो, लेकिन फिर भी भैया एक बार उस पर आपको रिसर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस टॉपिक के बारे में आप ऑडियंस को बताने जा रहे हो उसमें कुछ नई चीज है वो ऐड हो गई। इसके लिए भैया गूगल बाबा आपके पास पड़ा हुआ है और यूट्यूब पर काफी क्रिएटर हैं, आपको मिल जाएंगे जिस टॉपिक पर आप बात करने जा रहे हो उसके रिगार्डिंग काफी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो थोड़ी थोड़ी चीज आप वहां से उठा लीजिएगा तो आपको भी पता लग जाएगा कि यार मैं मेरी ऑडियंस को क्या बेटर दे सकता हूं। तो जब भी आप टॉपिक बनाओ या वीडियो बनाओ तो उससे पहले उसमें रिसर्च है वो कर लिया करो, ढूंढ लिया करो, देख लिया करो, गूगल बाबा है, यूट्यूब आपके पास पड़ा। चलिए भैया अगली टिप्स, नौवीं टिप, और भैया जब भी आप अपना वीडियो बनाओ उसे पार्ट में बनाने की कोशिश करो। देखिए मैंने आपको बताया कि वीडियो है वो लंबी आपको बनानी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो है वो डेढ़ से लेके दो घंटे की आप बना दो। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा ये टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, तो ऐसे में आप एक वीडियो न बना करके उस वीडियो को पार्ट में बांट दो। जैसे मैं ब्लॉग के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, हालांकि ब्लॉगिंग बहुत बड़ा एरिया है, तो ऐसे में मैं पार्ट में वीडियो बना रहा हूं, पार्ट नंबर एक, पार्ट नंबर दो, पार्ट नंबर तीन, 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट की, 20-20 मिनट की वीडियो बना रहा हूं। तो हमेशा अगर आपका टॉपिक लंबा है, बड़ा है, तो पार्ट में वीडियो बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो भी बना रहे। क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो होगी तो भैया जो ऑडियंस है आपकी वीडियो पर लंबे समय तक वो नहीं रुकेगी, ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाएगा, तो भैया यूट्यूब है वो सजेस्ट नहीं करेगा आपकी वीडियो को। तो कोशिश करो कि आपका जो पार्ट तो बड़ा है, लेकिन फिर भी आप अपनी वीडियो को टुकड़ों में या पार्ट के अंदर आपको यहां बनाने। चलिए अगली टिप्स और लास्ट टिप्स, दसवीं टिप्स, वीडियो को शेयर करना। भैया वीडियो को शेयर करने से भी हमारी वीडियो का वॉच टाइम है वो बढ़ता है। देखिए आपने सुना भी होगा और मैं भी आपको बोलता हूं कि यार अपनी वीडियो को ज्यादा शेयर वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा शेयर करोगे तो वॉच टाइम कम होगा और अपनी वीडियो पर जो ऑडियंस रिटेंशन है वो कम होगा। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यदि आप अपनी वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंध में अगर आप शेयर करोगे तब यहां पे ऑडियंस रिटेंशन या वॉच टाइम कम होगा, क्योंकि यार दोस्त हैं अच्छे नहीं होते हैं सारे, वो अपनी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते। आपको सोशल मीडिया पे ग्रुप बनाना, चाहे आप व्हाट्सएप पे बना सकते हो या फिर फेसबुक पे बना रह सकते हो या फिर इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप बना सकते हो, और आपको एक ऐसी ऑडियंस लेके आनी है जो कि आपकी वीडियो को पसंद करती है, आपकी वीडियो को देखना पसंद करती है, ताकि जब भी आप वीडियो बनाओ और अपलोड करो यूट्यूब पे तो उसका लिंक आप वहां पे शेयर कर सको, ताकि एक तो लोगों तक उसकी जानकारी पहुंच जाए, ठीक है, और वो अपनी वीडियो का वो देख भी लेंगे और वीडियो को देखेंगे तो भैया आपकी वीडियो पे वॉच टाइम है वो बढ़ने वाला है। तो ऐसे में जब भी आप वीडियो शेयर करो तो केवल उन्हीं लोगों तक शेयर करो जो आपकी वीडियो देखना पसंद करते हैं या फिर आप उनको पसंद हो, तो ही आप वीडियो शेयर करें, अपने दोस्तों में नहीं करें, क्योंकि दोस्त हैं साले कट्टू निकले होते हैं, मैं आपको सीधे बोलता हूं, वो अपनी वीडियो को पसंद नहीं करते हैं और वीडियो को एक आध सेकंड देखते हैं, वॉच टाइम कम हो जाएगा, तो भैया इससे हमारा जो ऑडियंस रिटेंशन है वो कम हो जाएगा, यूट्यूब हमारी वीडियो को सजेस्ट नहीं करेगा। तो आपको शेयर करना, लेकिन जेन्युइन तरीके से आपको शेयर करना। देखिए शेयर करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर गलत बात होती तो भैया यूट्यूब अपनी वीडियो के नीचे शेयर का जो बटन है या ऑप्शन है वो ही नहीं देता। तो शेयर करना कोई गलत बात नहीं, यूट्यूब खुद भी कहता है कि आप अपनी वीडियो को शेयर करो, लेकिन शेयर ऐसी जगह करो जिससे
हमारी वीडियो का वॉच टाइम है वो बढ़ता जाए। तो दोस्तों ये तो थी 10 टिप्स जिनको आपको फॉलो करना, यदि आप इनको फॉलो करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले कुछ ही दिन के अंदर आपके चैनल का 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैं ये नहीं कहता 2 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, अगले 3 महीने के अंदर अंदर इन टिप्स को आप फॉलो करोगे और मेरे अनुसार अगर आप चलोगे वीडियो बनाओगे तो भैया 3 महीने के अंदर अंदर आपके चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि इन सबको मैंने फॉलो किया है और इनको फॉलो करते हुए मैंने अगले 2 महीने के अंदर ही मेरा तो 4000 घंटे का वॉच टाइम है भैया वो कंप्लीट हो गया। तो इन टिप्स को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा देखिए यूट्यूब पर आपको ऐसी काफी वीडियो मिल जाएंगे जो ये कहेंगे 1 घंटे में कर लेंगे, 2 घंटे में कर लेंगे, 1 दिन में कर लेंगे। तो भैया देखिए 1 दिन में नहीं होता यार, 1 दिन में यार नए चैनल पे कहां से आएगा, कहां से व्यू आएंगे, कहां से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो ये तो सब अपने चैनल पे व्यूज पाने के तरीके होते हैं, क्लिक बेट करवाने का तरीका होता है, ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूं थोड़े दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत के अंदर जब आप मेहनत करोगे तो भैया आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा, 1000 सब्सक्राइबर वो भी कंप्लीट होगी और आपका चैनल है वो भी मोनेटाइज होगा और आप पैसे हैं वो भी यूट्यूब से कमाओगे। तो दोस्तों मेरी तरफ से तो यही टिप्स, मुझे बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और इन 10 टिप्स के अंदर आपको सबसे अच्छी और बेस्ट टिप है वो कौन सी लगी वीडियो के कमेंट में बताना। और ये भी बताना इन टिप्स में से आप पहले कौन सी टिप्स के बारे में जानते थे कमेंट में आपको बताना, वीडियो कैसी लगी वो तो आपको ही बताना ही बताना है। और इसके साथ चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब वो भी कर लेना, वो लाल वाला बटन है दबा डालो, जोर से दबा डालो, घंटी वाला वो भी उसको वो टन टन दबा डालो ताकि इस प्रकार की और नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।